काम हो गया है। नहीं, कल नहीं आ पाऊंगा क्योंकि कल मुंबई जा रहा हूं काम से। पैसे मैं परसों ले लूंगा। पुलिस सूत्रों के अनुसार पता चला है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुंबई में आतंकवादी हमले होने के आसार हैं। शहर में पुलिस ने हाई अलर्ट लागू कर दिया है। संदिग्ध व्यक्ति, गिरोह एवं गतिविधियां पाए जाने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। किसी भी संदिग्ध एवं लावारिस बैग या सूटकेस पाए जाने पर तुरंत मुंबई पुलिस को सूचित करें। कोई भी लावारिस वस्तु न छुए, उसमें बॉम्ब हो सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा पान वाले ने हुलिया बताया था। क्यों राजा, बैठ के करो।
कुछ नहीं बैग में मेरे, चेक करो खाली है बैग। सर इसमें तो बॉम्ब है और किसी जगह का नक्शा भी। सूत्रों के अनुसार संदिग्ध आतंकवादी लतीफ खान पुराने बस डिपो में एक बैग में बॉम्ब और आर्मी चिल्ड्रन स्कूल के नक्शे के साथ पकड़ा गया है। लतीफ के अनुसार लतीफ का इरादा स्कूल के पुराने कंपाउंड को उड़ाने का है। हैरानी की बात तो यह है कि वहां पर 26 जनवरी के दिन आर्मी चिल्ड्रन स्कूल के विद्यार्थियों ने गणतंत्र दिवस मनाने की योजना की है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये बॉम्ब ब्लास्ट आतंकवादी जमाल अनवर की फांसी का बदला लेने के लिए किया जाने वाला था। वकील परिषद ने अपनी कोई इच्छा जाहिर नहीं किया लतीफ को कोर्ट में रिप्रेजेंट करने। अगर लतीफ अपने लिए कोर्ट में कोई वकील प्रेजेंट नहीं कर पाते तो उस केस में सरकार की तरफ से इसको पब्लिक डिफेंस अटॉर्नी नियुक्त किया जाएगा। केजी, ये आतंकवादी कितने खराब लोग होते हैं, और बच्चों को टारगेट करना और भी घिनौनी बात है ना। अरे ये टेररिस्ट लोगों को तो लॉयर मिलना ही नहीं चाहिए। और उस लतीफ ने तो खुद एडमिट किया कि वो 26 जनवरी को स्कूल कंपाउंड को ब्लास्ट करने वाला था। ऐसे आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। वरुण, सत्य पूरी तरह से उजागर होने से पहले किसी पर या किसी के चरित्र पर निर्णय लेना ये उचित नहीं। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। सर मैं लतीफ की माँ हूँ, मेरे बेटे को किसी ने फंसाया है। हम लोग नागपुर के रहने वाले हैं। मेरा बेटा एक डेमोलिशन कंपनी में माइनिंग और पुराने घर और बिल्डिंग को ढाने का काम करता था। इसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर वो मुंबई आया था। सर मैं जानती हूँ कि आप यहाँ के मशहूर वकील हैं और आपने कई सारे लोगों की मदद भी की है, इसीलिए मैं आपके पास यहाँ आई हूँ। मुझे पता है कि आपकी फीस बहुत ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर मैं आपकी सारी पूंजी और ये मेरे पीएफ के पैसे हैं। पैसे पैसे आप अपने पास ही रखिए। ये मेडल्स हैं। लतीफ के पिताजी आईपीएस में थे, ड्यूटी के दौरान ही उनकी मौत हो गई और मैं खुद रिटायर्ड स्कूल टीचर रह चुके हूँ। मेरे बेटे की तालीम ऐसी नहीं है, वो बेगुनाह है, आप उसे बचा लीजिए। बस इतना एहसान आप ऊपर कीजिए। इसमें एहसान की क्या बात है माता जी, वकील मिलना तो हर अपराधी का संवैधानिक अधिकार होता है। देखिए माता जी, लतीफ के केस को लेकर मैं कोई दावा तो नहीं करूंगा, लेकिन इतना वचन देता हूं आपको कि अगर लतीफ निर्दोष है तो उसे छुड़वाऊंगा मैं जरूर। आप निश्चिंत रहिए। आर्मी स्कूल के कंपाउंड में क्या कर रहे हैं? अब सर मैं वो किसी पीके मेरा नाम के आदमी का कॉल आया था, उसने कहा कि उसके पास मुंबई में मेरे लिए काम है। हेलो, लतीफ खान जी बोल रहा हूँ। मैं पीके मेहरा बोल रहा हूँ। बोलिए। तुम्हारे लिए एक काम है मुंबई में। मुंबई में? हाँ मुंबई में। 26 जनवरी को एक स्कूल कंपाउंड को गिराना है, और हाँ इसके लिए मैं किसी परमिशन या लाइसेंस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए तुम्हें यह काम चुपके से करना होगा। सॉरी मेहरा साहब, मगर नागपुर से बाहर और ऐसे इलीगल काम मैं नहीं करता। एक मिनट, अपना जवाब देने से पहले एक बार अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो।
यानी सर मैं वो काम नहीं करना चाहता था, लेकिन अकाउंट में इतने सारे पैसे देखकर मैं इनकार नहीं कर पाया। तो फिर पुलिस से भागे क्यों? क्योंकि सर मैं जानता था ये काम इलीगल है। जिस प्राइवेट कंपनी के लिए मैं काम करता था वो पुरानी बिल्डिंगें गिराती थी, बहुत बुरी हालत थी हमारे घर की, मम्मी की बाईपास सर्जरी के लिए पैसे चाहिए थे। पहले प्रॉपर्टी केस हार गए, उसके बाद चाचा जाने हमारी पूरी प्रॉपर्टी हड़प ली, मजबूरी थी, इसलिए पीके मेहरा का ऑफर मुझे स्वीकार करना पड़ा। जब उस दिन पुलिस को देखा तो घबरा गया था मैं, डरकर भागने की कोशिश की। खेड़ी सर मेरा विश्वास कीजिए, मैं टेररिस्ट नहीं हूं, आतंकवादी नहीं हूं मैं। तुम चिंता मत करो लतीफ, अगर तुम्हारी कहानी सच्ची है, अगर तुम निर्दोष हो तो न्याय मिलने से कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। I'll have one coffee. Hi. Hi. I'm Sunanda, Deputy Chief of Maharashtra Anti-Terrorist Squad. मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मिस्टर के, मगर इस बार अब राष्ट्र के दुश्मन को डिफेंड कर रहे हैं। मैं इस बात से वाकिफ हूँ कि आप बेसहारा लोगों की बहुत मदद करते हैं, मगर ऐसे केसेस हमने भी बहुत देखे, नतीजा सिर्फ एक ही निकलता है, अंत में सब अपराधी ही होते हैं। संभवतः आप लतीफ की बात कर रहे हैं। क्या नाम बताया आपने? सुनंदा जी, क्या है कि हर नागरिक को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, और मैं एक वकील हूँ, मेरा तो कर्तव्य भी बनता है कि मैं सच्चाई का पता लगाऊं। मैं भी नहीं रुकूंगी, ये टेररिज्म का केस मेरे अंडर, और मेरे केस में मैं किसी भी तरह की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करूंगी, आपसे भी नहीं। मैं आपके जांच पड़ताल के तरीके को जानती हूं, ध्यान रखें इस केस के दौरान आपके और मेरे रास्ते नहीं मिलने चाहिए। बिल्कुल, मैं भी यही प्रयास करूंगा। योर कॉफी। थैंक्स फॉर द कॉफी। बिली, गिव मी द कॉफी। थैंक यू। केडी पाठक, लतीफ खान जिंदाबाद, लतीफ खान जिंदाबाद, केडी पाठक हाय हाय, केडी पाठक हाय हाय, लतीफ खान जिंदाबाद, लतीफ खान केडी को इस आतंकवादी का साथ देने का अंजाम भुगतना पड़ेगा। केडी पाठक, केडी पाठक, केडी पाठक, केडी पाठक, लतीफ खान जिंदाबाद, केडी पाठक। तो वे जिस प्रकार से इस केस का गठन हुआ है, मुझे लगता है कि वरुण को तेरी सहायता और तेरे साधन की आवश्यकता पड़ेगी। केडी, पर तुम अच्छी तरह जानते हो ये केस पुलिस के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो मुझे एटीएस के केसेस में दखलंदाजी की परमिशन नहीं है। नहीं, तेरे आधिकारिक रूप की बात नहीं कर रहा, पर्सनल हेल्प चाहता हूँ, निजी सहायता। हाँ चलो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें पूरी तरह से यकीन है कि लतीफ जो कह रहा है वो सच है, कि उसे बॉम्ब के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया है? हाँ दरे, और यही कारण है कि मुझे लगता है कि लतीफ बेगुनाह है, निर्दोष है। सोचने वाली बात है, किसी आतंकवादी के चाल ढाल के शारीरिक स्वभाव को तो तू जानता ही है। 2 दिन बाद 26 जनवरी ऐसे हाई अलर्ट के समय कोई भी आतंकवादी अपने साथ बारूद असला लेकर क्यों घूमेगा? किसी गुप्त स्थान में उसे छिपा कर रखेगा जब तक वो उपयोग में नहीं आता। मुझे नहीं लगता कि इतने हाई अलर्ट के समय ये सब सामग्री लेकर लतीफ घूमेगा। मुझे लगता फंसाया गया उसे। तब इस इन्वेस्टिगेशन का पहला स्टेप क्या होगा? लतीफ के कथन के अनुसार मेहरा ने स्वयं उसे बुलाया था स्कूल कंपाउंड का दहन करने, तभी हो सके तो पीके मेहरा के ऑफिस से या कहीं से उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर। हाँ ठीक, और वरुण तू जाकर स्कूल कंपाउंड का मुआयना कर, देख वहां से क्या मिलता है। जी सर।
फंस गया वरुण। अगर सुनंदा ने मुझे यह इन्वेस्टिगेट करते हुए देख लिया तो वो केडी सर के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर देगी। अरे मैं कब से केमिस्ट्री के प्रोफेसर पुष्कर चमोली को ढूंढ रहा हूँ, कहाँ मिलेंगे वो? यहाँ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में कोई प्रोफेसर चमोली नहीं है। तो फिर फिजिक्स डिपार्टमेंट में हूँ। नहीं सर, यहाँ प्रोफेसर चमोली नहीं है। अरे भाई कैसे समझाऊँ आपको, छोटे से हैं वो, ऊंचा सुनते हैं और लंबी सी नाक। आप सोचिए ना। पता नहीं, अरे मुझे याद आ गया, सॉरी सर, चलिए वो दिल्ली शिफ्ट हो गए 2 साल पहले। थैंक यू। एक्सक्यूज मी एमर जी, मैं सुनंदा मैम का सबॉर्डिनेट, आपसे और 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए। पिछले 2-3 दिनों में आपने कोई अजीब हरकतें यहाँ पर देखी थी? मैं अभी ये सब कुछ आपकी मैडम को बता चुका। मैं आपका स्टेटमेंट डबल चेक करना चाहता हूँ। जी, लतीफ खान जो सस्पेक्टेड टेररिस्ट हैं उन्हें इस प्रमाइसिस में देखा गया और वो रिपोर्टर बनकर आया था और मुझसे तरह तरह के सवाल पूछा। हेलो सर, मैं ट्विटर टाइम्स का रिपोर्टर हूँ और आपके स्कूल का रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन कवर करना चाहता हूँ। क्या बताएंगे कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं और इनको छुट्टी कितने बजे होती है? और सर आपके इस बार फंक्शन में चीफ गेस्ट कौन होने वाले हैं? आयुष्योग लतीफ खान था। जी हाँ, मैंने टेलीविजन पर उनकी फोटोग्राफ देखी थी, उसी से पहचाना। मिस्टर पीके मेहरा के बारे में आप क्या जानते हैं? मेहरा साहब बिजनेसमैन है, रिपब्लिक डे फंक्शन जहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वो कंपाउंड उन्हीं की प्रॉपर्टी, और वही कंपाउंड लतीफ ब्लास्ट करने आए। मुझे अभी मिस्टर मेहरा से मिलना है। सॉरी सर, आपको अपॉइंटमेंट लेकर आना चाहिए था, मिस्टर मेहरा अभी क्लाइंट के साथ में बिजी हैं। देखिए, क्लाइंट के साथ मीटिंग बाद में भी हो सकती है, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। सॉरी सर, आप अभी नहीं मिल सकते। आप एक बार उन्हें जाके बोलिए। सॉरी सर, मैंने कहा ना आपसे। क्या बात है, कौन है याद में? मिस्टर मेहरा, मैं आपसे टेरर सस्पेक्ट लतीफ खान के बारे में बात करना चाहता हूँ। देखो, तुम जो भी हो अपॉइंटमेंट लेके आओ, मैं बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलता। आप चाहें तो मैं वारंट के साथ भी आ सकता हूँ। देखो, तुम एक काम करो, अंदर एसोसिएट्स को तुम एंटरटेन करो। ओके सर। देखिए सर, मैं इस केस में किसी भी तरीके से शामिल नहीं, और रही आतंकवादी को कॉन्ट्रैक्ट देना तो दूर दूर की बात, ये हम बाद में डिसाइड करें। मिस्टर मेहरा, मुझे आपके फाइनेंशियल और कॉल रिकॉर्ड्स की कॉपी चाहिए। जी, मैं अभी लेके आता हूँ। ये लीजिए। थैंक यू। वन फोन कॉल मिस्टर, दैट्स ऑल इट गोना बी। और इस दवे को सस्पेंड करवा सकती हूँ। सुनंदा दवे निजी रूप से मेरी सहायता कर रहा है, आपके तहकीकात के आड़े आने की कोई मंशा नहीं थी उसकी, और एक वकील अपनी तहकीकात तो कर ही सकता है, उसको अधिकार होता है, ये तो आप जानती हैं। जानती हूँ मिस्टर कीट, मगर ये आप भी जानते हैं कि अगर आपकी तहकीकात मेरी तहकीकात में इंटरफेयर करेगी तो उसका अंजाम क्या होगा। आपकी तहकीकात में कोई बाधा नहीं डालेगा। लास्ट वार्निंग दे रही हूं मिस्टर की, अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा। हेलो, ये केस छोड़ दो वरना पछताओगे। कौन बोल रहे हैं आप? तुम्हारे लिए इतना जानना जरूरी है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इसका अंजाम बुरा होगा। देखिए, मैं ऐसी खोखली धमकियों से नहीं डरता। तो ठीक है, फिर देखते हैं।
हटिए हटिए हम सीढ़ियों से नीचे चलते हैं। तुम सारे फ्लोर्स पे लिफ्ट को चेक करना। ऑलराइट चलिए। केडी सर, मिसेस बिल मौर्या, आर यू ओके? कम। ओह गॉड, व्हाट जस्ट हैपेंड? आप बैठिए। वरुण, पानी पिला दो। यस सर। कहाँ गया? इसी लिफ्ट में तो था। मैम, मैंने पर्सनली चेक किया था, लिफ्ट किसी भी फ्लोर पे नहीं रुकी। तो क्या हवा में गायब हो गया? हवा में नहीं, हवा खाने से गायब हो गया। वो देखो, यहाँ सब ठीक है? Right. वो शूटर बच के निकल गया, मगर मेरी टीम उसे ढूंढ निकालेगी। जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता, मैं आप सबको एक एक बॉडीगार्ड असाइन कर, कोई भी कहीं भी बिना बॉडीगार्ड के नहीं जाएगा। जब सारे वकीलों ने इस केस को नहीं लिया तो आपने क्यों लिया था? आपके लिए अब पैसा ही सब कुछ हो गया है। आज इनको बचाओगे तो भैया बच्चे लोग को भी मारेंगे। योर ऑनर, किसी भी आतंकवादी हमले में मासूम बच्चों को निशाना बनाना सबसे घोर अपराध होता है, और इसीलिए लतीफ खान जैसे आतंकवादी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि सभी गुप्त आतंकवादियों को ये सबक मिले। मासूम बच्चों को निशाना बना रही, योर ऑनर, भगवान न करे कल को अगर मेरे घर के बच्चे होते। भगवान करे आपके घर के बच्चे हमेशा सही सलामत रहे। मैं आपको स्मरण करा दूं, मिस दीक्षित की अदालत में किसी निर्दोष को दंड देना भी एक घोर अन्याय है। योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि अभियोग पक्ष महोदया को आदेश दिया जाए कि अपने निजी विचार स्वयं तक ही रखे। मिस दीक्षित, आप अपने निजी विचारों को इस केस से अलग रखें। I'm sorry, योर ऑनर, लतीफ खान बस स्टेशन पर बॉम्ब और पुराने आर्मी चिल्ड्रन स्कूल के ब्लूप्रिंट के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। यही नहीं, इन्होंने खुद कबूल भी किया है कि ये स्कूल के कंपाउंड को ब्लास्ट करने के लिए वहां पर गए। योर ऑनर, वही स्कूल का कंपाउंड जहां पर आर्मी चिल्ड्रन स्कूल का रिपब्लिक डे ऑर्गेनाइज किया गया है। योर ऑनर, मिस दीक्षित अदालत में कुछ आवश्यक तथ्य व्यक्त करना भूल रही है। पीके मेहरा, जिनकी संपत्ति है वो आर्मी चिल्ड्रन स्कूल, उन्होंने ही लतीफ खान को कॉन्ट्रैक्ट दिया था स्कूल के कंपाउंड को ढाने का, जिस कारण से लतीफ खान मुंबई आए थे। मिस्टर पाठक, शायद आप ये भूल रहे हैं, मिस्टर मेहरा ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि वो लतीफ खान से कभी मिले ही नहीं। इनफैक्ट योर ऑनर, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कॉल रिकॉर्ड्स भी यही बात जाहिर करते हैं। ये सब झूठ है, मुझे बताया जा रहा है कि सब लोग मिले हुए। आप जरा शांति रखिए। मैंने कुछ नहीं किया जैसा, एकदम झूठ। मुझे बताया जा रहा है ये सब लोग आपस में मिले हुए जैसा। केडी, अगर इसके बाद एक लफ्ज भी आपके क्लाइंट ने निकाला, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। समझ देखो लतीफ, जलाने से कोई लाभ नहीं होगा, विश्वास रखो मुझ पर। क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, अगर एक बार के लिए मान भी लेते कि लतीफ खान को ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और ने सौंपा, लेकिन फिर भी ये बात आगे आती है कि लतीफ खान ये बात जानते थे, वहाँ कंपाउंड में स्कूल के विद्यार्थी आते हैं और स्कूल के बारे में बातचीत करते हुए लतीफ खान को दो गवाहों ने देखा था। योर ऑनर, मैं सबसे पहले अपने विटनेस को बुलाना चाहूंगी, मिस्टर मोहनलाल, जिनकी पान की दुकान ठीक स्कूल के सामने। जज साहब, मैंने इस आदमी को स्कूल कंपाउंड के अंदर जाते वक्त देखा था, ये दीवारों को खुरेद कर देख रहा था और पूरे कंपाउंड का फोटो खींच रहा था। जब स्कूल की छुट्टी हुई तो ये बच्चों को ताक रहा था। भैया, ये स्कूल में छुट्टी कितने बजे होती है? बच्चे कितने आते हैं? मुझे नहीं मालूम भाई।
और तभी मुझे इस आदमी पे शक हुआ और मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। और अब मैं अपने दूसरे गवाह आर्मी चिल्ड्रन स्कूल के टेम्पररी टीचर मिस्टर अहमद को बुलाना चाहूंगी। मिस्टर अहमद, अदालत को बताइए आप क्या जानते हैं, क्या आपने लतीफ खान को स्कूल में देखा था? जी हाँ, यह आदमी रिकॉर्डर बंद कराया था स्कूल में और कई सवाल पूछा कि जैसे स्कूल में कितने बच्चे हैं, रिपब्लिक डे का फंक्शन कितने लोग अटेंड करने वाले हैं, चीफ गेस्ट कौन है, फंक्शन कब होगा और भी कई सारे सवाल। देखा आपने मिस्टर पाठक, योर ऑनर, दिस मैन हैड द परफेक्ट प्लान। परफेक्ट प्लान तो था मिस दीक्षा, लेकिन क्यों, किस लिए, किसके लिए? योर ऑनर, लतीफ खान साहब अपने कथन में कह चुके हैं कि 26 जनवरी को स्कूल के कंपाउंड को गिराने वाले थे, लेकिन कब इस बात का जिक्र अभी तक अदालत में नहीं हुआ। तो संभव है कि ये पूछताछ कर रहे थे स्कूल में रखे गए कार्यक्रम के बारे में, क्योंकि उसके पश्चात वो अपना कार्य करना चाहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी को किसी प्रकार की हानि पहुंचे। अरे पर मिस्टर पाठक, स्कूल का कंपाउंड गिराना ही क्यों था? ये तो मिस दीक्षित मेहरा साहब बताएंगे। मेहरा साहब, सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये जो जिस कंपाउंड की बात हो रही है यहाँ अदालत में, आपकी संपत्ति है। आर्मी स्कूल वालों के साथ वो विवादग्रस्त था कंपाउंड, आप उसे ग्रस्त करना चाह रहे थे, उसे गिराना चाह रहे थे, वो मान नहीं रहे थे, चल रहा था ना ये सब? जी, इसलिए मैंने वो बात वहीं छोड़ दी थी। नहीं, वहां तो आपने पहले छोड़ दी, जिसके पश्चात सप्ताह भर पहले मेरे सहायक वरुण ने मुझे बताया कि फिर से एक बार उसी कंपाउंड को लेकर विवाद शुरू हो गया था। कुछ नहीं सुनना मुझे, मैं कह रहा हूँ तुम लोग बहुत गलत हो, तुम लोग बहुत पछताओगे। तुम नहीं जानते मैं किन किन लोगों को जानता हूँ, मैं कैसे भी ये स्कूल कंपाउंड गिरवा कर आऊंगा। वो सिर्फ एक बहस थी, मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा बोल दिया। अब ये तो अच्छा कारण था आपके लिए उसे गिराने का, उस कंपाउंड को ग्रस्त करने का, लेकिन ये अपने आप में एक अवैध कार्य था। संभवतः इसी कारण आपने सोचा कि क्यों ना आतंकी बहाना बना लिया जाए, है ना? I object, Your Honor. मिस्टर पाठक बिना किसी सबूत के इलॉजिकल अनुमान लगा रहे। Your Honor, I object to her objection. बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रमाण के मेरी दलील को इलॉजिकल कह। Your Honor, यहां मेरे पास इस फाइल में मेरा साहब वित्तीय अभिलेख है, Your Honor, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, जिसके अनुसार इन्होंने कुछ ही समय के भीतर अपने बैंक के खाते से 8,20,000 रुपए निकाले। Your Honor, लगभग उतनी ही रकम खान साहब के खाते में जमा की गई। अब इसका क्या कनेक्शन निकाले, क्या कनेक्शन निकाले आप ही बताइए, कोई कनेक्शन तो होगा? जी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मुझे लगता है मेरे बैंक अकाउंट को हैक किया गया। आपका अपना अकाउंट हैक हो गया आपको पता ही नहीं? ऐसा तो होता नहीं है मिस्टर मेहरा। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं अदालत में एक वीडियो फुटेज चला दूं। परमिशन ग्रांटेड। योर ऑनर, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मेहरा साहब अपने खाते में से रुपए निकाल 8 दिनों में और अलग अलग ATM से। बताइए मिस्टर मेहरा, क्या कहना चाहते हैं? अब आगे कोई आपको साक्ष्य चाहिए? यह अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। सर, पीके मेहरा ने अभी तक मिसिंग फंड्स के बारे में कुछ नहीं बताया, लगता है हमें हमारा सस्पेक्ट मिल गया। आई वोंट बी सो श्योर, मेरी टीम ने मेहरा के विड्रॉवल्स के पीछे का मोटिव पता कर लिया। मेहरा अपनी कंपनी पार्टनर्स के अकाउंट से पैसे वसूल रहा था, वो ये सारा पैसा एक प्राइवेट अकाउंट में ट्रांसफर करता जा रहा था, और उसने ये बात अदालत में इसलिए एडमिट नहीं की क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसका फाइनेंशियल स्कैम सबके सामने ना आ जाए। मेरी टीम ने
उसकी कंपनी और उसके प्राइवेट अकाउंट की तहकीकात की और वो सारा पैसा उसके प्राइवेट अकाउंट से जब्त कर लिया गया। तो पाठक जी, अब आपकी मेहरा की लतीफ को फंसाने की थ्योरी सिर्फ एक थ्योरी बनके रह गई। तो पाठक जी, अब आपकी मेहरा की लतीफ को फंसाने की थ्योरी सिर्फ एक थ्योरी बनके रह गई। नहीं है सुनंदा, मेहरा साहब ने लतीफ को नहीं फंसाया, इसका ये अर्थ नहीं होता कि किसी ने लतीफ को नहीं फंसाया। किसी ने तो ऐसा किया है। सच का पता लगाना अभी बाकी है। मैं ना आपकी जिद की दाद देती हूँ, मगर क्या है ना पाठक जी की जिद्दी मैं भी कम नहीं। अब वो वक्त दूर नहीं है जब सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। बाय, ऑल द बेस्ट। Get me the details quick. कुछ पता चला? Yeah, just a moment. Ma'am, there's a good news for us. Tell me the good news quick. लतीफ को जो कॉल की गई थी वो ट्रेस हो गई और वो कॉल अफगानिस्तान से थी। अफगानिस्तान? Yeah. That's interesting. Good. और डिटेल्स पता लगाने की कोशिश करो। ऑनर मैम, लतीफ केस में एक फ्रेश लीड मिली। नागपुर में करीबन एक साल पहले टेरर सस्पिशन केस में लतीफ के पड़ोसी ने उसके खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज की थी। गुड, और लीड पता कर। ओके मैम, गेट बैक टू वर्क। ऑलराइट। मिस दीक्षित, लतीफ के केस में एक स्ट्रॉन्ग लीड मिली, मैं आपको अभी डिटेल्स भेजती हूँ। ओहो, अरे मेरा तो दिमाग घूम गया है, दिमाग। ये बिना ये कुंग फू के मैं दूध और शक्कर पर नहीं ले सकती। क्या हुआ मिस्टर बिलमौर्या, आप इतने गुस्से में क्यों? आपको पता है मेरा जो गार्ड है ना वो, मैं आपको बाद में बताऊंगा। बिली रिलैक्स, बहुत जल्द केस खत्म हो जाएगा और केस के साथ साथ तुम्हारे ये कुंफू टूंफू भी चले जाएंगे। रिलैक्स। केडी, ये केस जल्दी खत्म करो वरना मैं किसी को खत्म कर दूंगी। योर ऑनर, मिस्टर पाठक के प्रत्यारोप की जांच की गई है और कई दबे हुए सबूत सामने आए। सबसे पहले तो मिस्टर मेहरा के फाइनेंशियल रिकॉर्ड को इन्वेस्टिगेट किया गया और जितना भी चुराया हुआ पैसा था वो सारा बरामद हो चुका है। और दूसरी बात, योर ऑनर, मैं एटीएस टेक रिप्रेजेंटेटिव को थैंक्स कहना चाहूंगी। इन्होंने लतीफ खान को किए गए फोन कॉल के बारे में पता लगाया है जो लतीफ के हिसाब से मिस्टर मेहरा ने इसे किया था। दरअसल ये फोन कॉल योर ऑनर अफगानिस्तान से किया गया और ये वाया मुंबई रूट करवाया गया। Order, silence in the court. ये एक तरीका है जांच एजेंसी की आंखों में धूल झोंकने का। इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि मिस्टर मेहरा ने लतीफ खान को कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं सौंपा था। इनफैक्ट लतीफ खान ने मिस्टर मेहरा को फंसाने की कोशिश की है। और सवाल ये उठता है कि लतीफ खान का अफगानिस्तान के साथ कैसा लिंक? Your Honor, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस केस में ATS हमारी सहायता कर रहा है, किंतु आधी अधूरी जानकारी हमेशा जोखिमदार होती है। आपकी अनुमति हो तो मैं ATS विशेषज्ञ को कटघरे में बुलाकर विस्तार से जांच करना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। हाँ सर, बताइए ये क्या 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 पता लगा आपको? और मैं उत्सुक हूँ जानने के लिए कि कौन सी तकनीक का उपयोग किया आपने कॉल ट्रेस करने के लिए। देखिए, कुछ ऐसे कॉन्फिडेंशियल प्रोग्राम्स हैं जिन्हें यूज करके ये दिखाया जा सकता है कि कॉल किसी और कंट्री से की गई हो जबकि वो होती कहीं और से है। जैसे इस केस में लगा था कि लतीफ को कॉल मुंबई से आई है जबकि वो थी अफगानिस्तान से।
मेरा सामान्य ज्ञान मुझसे ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसा जताने का प्रयास कर रहा हो कि कॉल मुंबई से आया हो लेकिन कॉल किया गया हो अफगानिस्तान से, तो क्या ये संभावना है कि कॉल कहीं और से ही किया गया हो और ये जताने का प्रयास किया गया हो कि अफगानिस्तान से किया गया हो मुंबई, ऐसा कुछ? इज इट पॉसिबल? आई ऑब्जेक्ट, योर ऑनर डिफेंस बात को घुमा रहा है। योर ऑनर, मैं कोई बात को नहीं घुमा रहा हूँ, मैं अपना ज्ञान बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये संभव है या नहीं। यस, इट इज पॉसिबल। इट इज पॉसिबल योर ऑनर, जिसका अर्थ ये होता है कि पूरी पूरी संभावना है कि ये कॉल मुंबई से किया गया हो, अफगानिस्तान द्वारा रूट किया गया हो, फिर मुंबई द्वारा रूट किया गया हो। योर ऑनर, मैं अदालत से इस स्तर पर निवेदन करता हूँ कि एटीएस को समय दिया जाए विस्तार में इस बारे में जांच करने का, और तब तक यहीं पर कार्यवाही को स्थगित किया जाए। जज साहब, मैडम को कुछ कहना चाहिए। इजाजत है। योर ऑनर, अभी फिलहाल एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जो हमारे केस को लगकर ही है, क्या मैं केबल यूज कर सकती हूँ प्लीज? इजाजत। एक आतंकी संगठन ने ये वीडियो ऑनलाइन पोस्ट करके दावा किया है कि लतीफा उन्हीं के संगठन का सदस्य है। Silence in the court. अगर हिंदुस्तान अपनी तबाही नहीं चाहता तो हमारे साथी लतीफ को रिहा कर, लतीफ हमारा अपना है। हम अपने किसी भी साथी को ऐसे बीच में नहीं छोड़ते। हम सिर्फ दो दिन की मोहलत देते हैं, दो दिन की। अगर लतीफ को रिहा नहीं किया तो इसका हर्जाना पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। दो दिन में लतीफ को रिहा कर दो, सिर्फ दो दिन में। वीडियो के साथ साथ इस आतंकी संगठन ने अपनी तीन आतंकवादियों की एक फोटो भी रिलीज की है जो कि स्पेशली ट्रेन किए गए हैं आतंकी हमलों के लिए। लतीफ उनमें से ही एक उत्तम आतंकवादी है जो अपने भाइयों के सम्मान के लिए लड़ता है। एक आतंकी संगठन ने ये वीडियो ऑनलाइन पोस्ट करके दावा किया है कि लतीफ खान उन्हीं के संगठन का सदस्य है। मिस्टर लतीफ खान, क्या अपनी कलाई जज साहब को दिखाएंगे? योर ऑनर, ये एक बहुत ही अहम सबूत है। मुजरिम के कलाई पर भी बिल्कुल वैसा ही बिच्छू वाला टैटू है जैसा कि इस फोटो में तीसरे आतंकवादी की कलाई पर दिखाया जा रहा है। इससे साफ साबित होता है कि लतीफ खान एक टेररिस्ट है। योर ऑनर, एक साल पहले भी नागपुर में लतीफ को एंटी नेशनल एलिमेंट से मिले होने के शक पर गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सबूतों के अभाव के कारण कोर्ट ने इसे बरी कर दिया। लेकिन आज सबूत है हमारे पास। योर ऑनर, मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि लतीफ खान जैसे टेररिस्ट को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और इसी के साथ संदेश भेजा जाए इसके साथियों को कि हमारे देश पर नापाक नजर रखने वालों का क्या अंजाम होता है। योर ऑनर, एक साल पहले भी नागपुर में लतीफ को एंटी नेशनल एलिमेंट से मिले होने के शक पर गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सबूतों के अभाव के कारण कोर्ट ने इसे बरी कर दिया। लेकिन आज सबूत है हमारे पास। योर ऑनर, मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि लतीफ खान जैसे टेररिस्ट को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और इसी के साथ संदेश भेजा जाए इसके साथियों को कि हमारे देश पर नापाक नजर रखने वालों का क्या अंजाम होता है। डैडी सर, ये सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। हाँ जज साहब। अरे झूठ तो तुम बोल रहे हो। लतीफ खान
अभी भी अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि तुम विक्टिम हो? अगर यही बात है तो ये आतंकवादी संगठन तुम्हें अपना अपना साथी क्यों बता रहे हैं? नेशनल टेलीविजन पर तुम्हें हीरो क्यों बना रहे हैं वो? योर ऑनर, मुझे लग रहा है कि हम अधिक शीघ्रता कर रहे हैं इस बात को लेकर। संभव है कि ऐसा कुछ टीवी पर दिखाकर लोग हमारे वतन में आतंक फैलाने का प्रयास कर रहे हो, लोगों को उग्र करने का प्रयास कर रहे हो। पहले भी ऐसा हुआ है योर ऑनर। सर पाठक, आई डोंट बिलीव दिस। अभी भी आप इस मुजरिम को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहे हो? आपके कहने का मतलब है कि पूरी दुनिया का एजेंडा सिर्फ एक ही है, आपके इस निर्दोष मुवक्किल को हम टेररिस्ट साबित करें। Am I right? देखिए मिस दीक्षित, आप योर ऑनर, इस बारे में आगे चर्चा करके कोई लाभ नहीं होगा जब तक नए समाचार की पुष्टि नहीं हो जाती। ये जो नई जानकारी प्राप्त हुई है ये कितनी संदिग्ध है, इसके बारे में मैं भी स्वयं जांच करना चाहता हूँ। आपसे निवेदन करता हूँ कि अगली तारीख दी जाए। ठीक है, इस केस की सुनवाई कल होगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। मतलब क्या तुम्हें कोई ज्ञान नहीं, कोई अंदाजा नहीं कि कौन लोग हैं जो तुम्हें आतंकवादी ठहरा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तुम उनके गिरोह के हिस्सा? केडी सर, अगर मुझे पता होता तो सबसे पहले मैं आपको बताता। मतलब आपसे छुपाने की क्या जरूरत है मुझे? उस फोटो में मैं नहीं हूँ, मैं तो उन लोगों को जानता तक नहीं। और ये जो प्रोसिक्यूटर कह रही थी, एक साल पहले तुम नागपुर में गिरफ्तार हुए थे, तुम्हारे विरुद्ध FIR दर्ज हुआ था, वो क्या था? सब आरोप झूठे थे। किसने मेरा ईमेल आईडी हैक कर लिया और मेरे सारे कॉन्टैक्ट फॉरवर्ड करके टेररिस्ट ईमेल में डाल दिए, और बाद में सब कुछ फेक निकला, इसलिए तो मैं बच निकला था। अच्छा, क्या तुम्हें याद है लतीफ कि कौन व्यक्ति था जिसने तुम्हारे विरुद्ध FIR दर्ज की थी? हाँ, मेरे पड़ोसी चंदू ने। शायद उसको मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आतंकी गिरोह की धमकी के बाद तुम्हें यहाँ रखना खतरे से खाली नहीं, इसीलिए इन्हें यहाँ से एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन में शिफ्ट किया जा रहा है। हॉस्पिटल लेके जाओ। कड़ी, लतीफ की हालत बहुत नाजुक है। परंतु यहां रोक दवे के साथ, मैं देख कर आता हूं। जी सर।
लतीफ, अब और नहीं लड़ा जाता। ऐसा नहीं है लतीफ, सब ठीक हो जाएगा। नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किस्मत ही खराब है मेरी। हाँ सर, इस झूठ की कीमत मेरी मेरी मम्मी को चुकानी पड़ेगी। प्लीज झूठ को झूठ साबित कर दीजिए, मेरी मेरी अम्मी की जान बचा लीजिए गरी से। लतीफ तुम चिंता मत करो, सच्चाई बहुत जल्दी सामने आ जाएगी। मेरे अबू एक IPS ऑफिसर थे, ड्यूटी करते करते उनकी जान गई। आज मेरी वजह से उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। बस बस एक इल्तिजा है आपसे, मेरे माथे पर लगे टेररिस्ट को तबका हटा दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। जी चले। सर एक बैड न्यूज है। अब क्या हुआ? सर सॉलिड प्रूफ तो नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि सुनंदा उसकी टीम ने पहले भी टेररिस्ट के एनकाउंटर कराए, और बैलिस्टिक रिपोर्ट के मुताबिक जो बुलेट लतीफ से मिली है वो सुनंदा के ATS ऑफिसर्स के गन से मैच करती है। ये कैसे हो सकता है? जो भी है तुझे पता लगा, चक्कर क्या है? जी सर। हेलो, शुक्रिया केडी साहब आपकी मदद के लिए। कौन? पहचाना नहीं, आपकी मदद के लिए हमने आपके लिए एक तोहफा भेजा है। अपना बैंक अकाउंट चेक कीजिए। मेरा हेलो हेलो केडी केडी आई ट्राई टू स्टॉप देम बट दे जस्ट रिलैक्स। हाय सुनंदा, मैं पूछ सकता हूँ कि आप लोग इस तरह यहाँ क्या कर रहे हैं मेरे ऑफिस में? This is called call of duty. Call of duty? मतलब I didn't know कि ATS सीमा का उल्लंघन करने को call of duty कहती है। आप जानती हैं कि आप एक वकील के ऑफिस में हैं बिना किसी वारंट कुछ। आप वकालत किसी और को सिखाइएगा, पहले क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या है? ये तो मेरे बैंक का खाता है, एक्सक्यूज मी, और मेरे बैंक के खाते में 10,00,000 रुपए जमा किए गए हैं। वाओ सुरेंद्र, तुम मानोगे नहीं अगर मैं तुम्हें कहूंगा कि पिछले 10 केसेस से मेरे किसी मुवक्किल ने एक ढीला तक नहीं दिया मुझे। 10,00,000 रुपए। वेल मिस्टर केडी, ATS टीम की आपकी सारी फोन कॉल्स और आपके मूवमेंट्स पे नजर है। हम लोग तब अलर्ट हो गए थे जब आपको हॉस्पिटल में कॉल आया। तो केडी साहब, किसी ने मदद के लिए आपको 10,00,000 रुपए दिए? नॉट बैड। मेरे मन में भी यही प्रश्न चल रहा है। मन पढ़ लिया आपने मेरा। कमाल, आप वकालत के साथ साथ एक्टिंग भी बहुत अच्छी कर ले। कभी बॉलीवुड के बारे में नहीं सोचा? रियली? वाह। वैसे सुनंदा आपका तो पता नहीं, लेकिन सही गलत की पहचान है मुझे, अपने कर्तव्य का आभास है। What do you mean, Mr. Keith? मुझे सही और गलत की पहचान नहीं? ये मुझे पता नहीं, लेकिन इतना अवश्य पता है मुझे कि जो गोली लतीफ पर चलाई गई थी वो गोली बैलिस्टिक्स के अनुसार ATS के ही किसी मेंबर के गन से निकली है। सोच समझ कर बोलिएगा मिस्टर पाटिल, कम से कम टेररिस्ट की मदद करने के लिए मुझे 10,00,000 तो नहीं मिली,
सुनंदा, मैं तो जो करता हूँ सोच समझ कर ही करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम सोचो और इस बात को समझो कि इस समय अगर तुम मेरा दफ्तर छोड़कर नहीं गई और बिना सर्च वारंट के अगर दोबारा आए तो हो सकता है कि तुम्हारे एसपी साहब के पास कुछ शब्द हो तुम्हें कहने के लिए। Well, I shall take your leave now. Come on, boys. केरी साहब, संभाल कर रहिएगा, कहीं आपको अपनी खुद की वकालत ना करनी पड़ जाए। चिंता मत करिए, कोई नई बात नहीं होगी, भूतकाल में वो भी कर चुका हूं। बाय। गुड रिडेंस केटी, अब हम क्या करेंगे? कोई लीड्स है क्या? नहीं बिली, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब गणेश जी हमें बचा सकते हैं। बिली, पता नहीं तुम जानती हो या नहीं, लेकिन गणेश जी के कई ऐसे मुहूर्त होते हैं जिनके सूंड वाई और होते हैं। ये सिद्धि विनायक भगवान है, इनके सूंड दाहिने ओर है, अर्थात इनकी पूजा करो तो सब मनोकामना पूरी होती है। समझ गया गणेश जी, धन्यवाद। योर ऑनर, मैं अदालत को बताना चाहता हूं कि इस चित्र में जो आतंकवादी है वो मेरा मुवक्किल लतीफ खान नहीं। आप ये कैसे कह सकते हैं मिस्टर पाठक? आपने अभी अभी सुना आतंकवादियों के सरदार ने क्या कहा? तो? और वो टैटू जो इसकी कलाई पे है, आतंकवादी की कलाई पर है, वही टैटू लतीफ खान की कलाई पर भी है। मिस दीक्षित, सर्वप्रथम तो आप एक वकील हैं, जिस व्यक्ति को आप जानती भी नहीं उसके कहे पर आपने इतनी सरलता से विश्वास कर लिया। अरे पर वो ये टैटू जो, तो यही तो कष्ट है युवा पीढ़ी में कि बारीकियों में नहीं जाते, ध्यान से नहीं देखते। योर ऑनर, मैं ये चित्र जूम करके दिखा। ये जो बिच्छू का टैटू है इसमें बिच्छू का डंक दाई और ऊपर की तरफ, जबकि लतीफ खान के कलाही पर जो गोदन है उस बिच्छू का डंक बाई और नीचे की तरफ है। आपके मेज पर चित्र रखा हुआ है। योर ऑनर, इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस चित्र में जो आतंकवादी है वो मेरा मुवक्किल लतीफ खान नहीं। इससे ये भी प्रमाणित होता है कि न्यूज चैनल को भेजी गई ये रिपोर्ट फर्जी झूठी है। इसकी आगे जांच होनी चाहिए कि ये कहां से आई, किसने भेजी। मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि मुझे समय दिया जाए इस केस में आगे कार्यवाही करने का। ये अदालत आपको कल तक का समय देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल टुमारो। क्या लगता है आपको, कौन फंसाया जाता है लतीफ को? एक आतंकवादी ग्रुप के लीडर के बयान के बावजूद आप कैसे कह सकते हैं कि लतीफ बेकसूर है? पिछले साल हुई गिरफ्तारी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? I'm sorry, केरी। पहली बार गलत होके इतनी राहत मिल रही है। जल्दबाजी में मैंने ये रियलाइज नहीं किया कि लतीफ तो एक छोटा सा मोहरा है, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। मेरी टीम उस हमलावर और अननोन कॉलर का पता लगाने में जुट गई। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरी टीम हाजिर है। That's so sweet of you. Thank you so much. You're welcome. टेरर ग्रुप का ये वीडियो नागपुर के एक बीपीओ से अपलोड किया गया था। इसने मेरा ईमेल आईडी हैक कर लिया और मेरे सारे कॉन्टैक्ट फॉरवर्ड करके टेररिस्ट ईमेल पे डाल दिए। लतीफ ने मुझे कहा था कि पिछले साल नागपुर में उसका अकाउंट, ईमेल अकाउंट किसी ने हैक किया था और उसके ईमेल द्वारा फिर आतंकी ईमेल्स भेजे गए थे। Yes, of course, you're right. इस अपराध की इन्फॉर्मेशन तो मुझे भी मिली थी। Is it?
पॉसिबल सुगंधा जी कि आप यहाँ से ट्रैक करें कि किसने उसका ईमेल हैक किया था? That wouldn't be a problem, right? Sure. Back up. This is unbelievable. लतीफ का अकाउंट नागपुर के उसी बीपीओ से हैक किया गया था। कौन व्यक्ति था जिसने तुम्हारे विरुद्ध एफआईआर दर्ज की थी? हाँ, मेरे पड़ोसी चंदू ने। ये चंदू तो वही है लतीफ का पड़ोसी जिसने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। संयोग की बात तो हो नहीं सकती। आई थिंक हमें नागपुर जाके चंदू को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मिस्टर केडी, अगर आप चाहें तो हमारे साथ आ सकते हैं। वरुण जाएगा आपके साथ। चंदू कहाँ पर? ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। तुम्हें लतीफ का अकाउंट हैक करने और फेक टेरर मेल्स भेजने के लिए इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया। चंदू, आतंकवादी हमले की अफवाह फैलाना, नकली आतंकी वीडियोस अपलोड करना, संगीन जुर्म, इस झंझट से निकलना बहुत मुश्किल है। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम सीधे सीधे सही जवाब दे दो। तुमने लतीफ का अकाउंट हैक करके उसके कॉन्टैक्ट को टेरर मेल्स क्यों भेजे? लतीफ इसी के लायक था। इसी के लायक था मतलब? लतीफ मेरी बहन के साथ इन्वॉल्व था। उसे पता था कि मैं इस रिलेशनशिप के खिलाफ। मेरी बहन बिल्कुल बहक गई थी। उसने मुझसे बात करना भी बंद कर दिया था। जब पानी सिर के ऊपर से निकल गया तो मैंने सोचा कि अभी कुछ करना पड़ेगा। इसलिए मैंने उसका अकाउंट हैक किया और उसके कॉन्टैक्ट्स को स्पैम करके उसकी एक फेक वीडियो बनाई। और जब इससे बात नहीं बनी तो तुम ही ने पीके मेहरा बनकर स्कूल को ब्लास्ट करने का प्लान बनाया। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ये एडमिट करता हूँ कि मैंने उसका ईमेल अकाउंट हैक किया और उसकी एक फेक वीडियो बना के उसको अपलोड कर दिया। मैं कोई मास्टरमाइंड नहीं हूँ। मैंने तो वही किया जो मुझे कहा गया था। कहा गया था मतलब? किसने कहा करने के लिए? एक दिन मुझे कॉल आया था। उसके पास लतीफ को फंसाने का प्लान था। उसने मुझे मिलने के लिए कहा और वहां पे उसने मुझे एक सीडी दी और उसे इंटरनेट पे अपलोड करने के लिए कहा। और फिर उसने कहा कि वो बाकी सब कुछ संभाल लेगा। ये मीटिंग कब हुई और पिछले तीन दिन तुम कहाँ कहाँ थे, इसकी सारी डिटेल्स तुम मेरी टीम को दोगे। ले जाओ इसे यहाँ से। सुनंदा, मोना, इसी अपराधी ने लतीफ को फंसाया, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसने ये सब क्यों किया और इस सब के पीछे उसका मकसद क्या है। इस सब का सिर्फ एक ही मकसद, उसने हम सबको लतीफ के केस में उलझा दिया। एटीएस, पुलिस, सबको यही लग रहा है कि एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला होने से रोक लिया गया है, मगर असल में आतंकियों ने इस चिंगारी को हवा देकर आग बना दिया है और सुरक्षा विभाग का ध्यान बांट दिया है। लेकिन इतनी मेहनत किस लिए? ताकि वो अपना बड़ा हमला 26 जनवरी को कर सके। गॉड, केडी से ये सब कैसे रोकेंगे? हमारे पास वक्त बहुत कम है वरुण, इस अपराधी को किसी भी तरह रोकना होगा। हॉस्पिटल में जो आपको कॉल आया था, मैं उसकी डिटेल्स ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ पर वो डिटेल्स मुझे मिल नहीं रही। वो कॉल शायद किसी बर्नर फोन से किया होगा जो कि कॉल करने के बाद इमीडिएटली फेंक दिया गया होगा। बर्नर फोन की डिटेल्स ढूंढने का कोई तो तरीका होगा? सर, हम सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं पर उसमें थोड़ा टाइम और लगेगा। देखिए, हमारे पास समय नहीं है। आज 25 जनवरी हो, 24 घंटे में वो आतंकवादी विस्फोट कर देगा। पता लगाना ज़रूरी है, न केवल लतीफ के लिए बल्कि हमारे देश के लिए भी। सर, फिर तो एक ही तरीका है, हमें आपका फोन टैप करना होगा। फिर टेररिस्ट अगर आपको दोबारा कॉल करता है तो हम उसकी कॉल को ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो केडीसो को फिर से फोन करेगा या नहीं? जो भी है, चांस तो लेना चाहिए। आप करिए, कोई ना कोई तरीका ढूंढेंगे।
उस आतंकी हमले के पीछे जो संदिग्ध व्यक्ति है करीब करीब उस तक पहुंच ही चुके हैं। बहुत जल्दी वो पुलिस के गिरफ्त में होगा। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जब वो पकड़ा जाए तो उसे महानायक या खलनायक की पदवी मत देना। वो केवल एक कायर डरपोक व्यक्ति है जो डर कर अपने बिल में छिपा हुआ। ऐसे हजार भी आ जाए तो भी हमारे वतन की अखंडता को हिला नहीं सकते। हमारे देश को ऐसे बुजदिलों से डरने की कोई जरूरत नहीं। तो, आपका फोन मेरे डिवाइस से कनेक्टेड है सर, इसकी क्या गारंटी कि वो आपको फोन करे? कुछ ही देर में स्कूल फंक्शन शुरू हो जाए। और कोई रास्ता भी नहीं है हमारे पास। वो ये जो आतंकवादी होते हैं इनकी मनोवृत्ति में झांको तो ऐसा पाया गया है कि इन्हें चूहे बिल्ली का खेल खेलना बहुत पसंद है। और प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए मुझे लगता है वो फोन अवश्य करेगा। सर, आपको जब कॉल आएगा तो प्लीज ट्राई कीजिएगा कि आपकी बात एक मिनट से ऊपर हो, क्योंकि इस डिवाइस को कॉल ट्रेस करने के लिए एटलीस्ट एक मिनट लगता है। हेलो। बहुत हिम्मत है आप में कैडी साहब, लगता है आप हार नहीं मानेंगे। हाँ सही कहा आपने, बहुत हिम्मत है मुझ में। और मैं हार क्यों मानूं? आप तो हार कर भी हार नहीं मान रहे। आपने मुझे ललकार कर बहुत बड़ी गलती कर ली है और आप सबको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अब सजा तो सबको भुगतनी पड़ती है, गुनहगारों को अपराधियों को सजा तो भुगतनी पड़ती है, आपको भी भुगतनी पड़ेगी। पर आप तो ऐसी सजा भुगतेंगे कि आपके साथी जो हैं कई वर्षों तक इस सजा की मिसाल देते रहे। अच्छी कोशिश है, पर क्या आपको लगता है कि आप मुझे इतनी आसानी से पकड़ लोगे? देखिए मेरी बात सुनिए। हेलो हेलो, काट दिया। That was close, sir. Record हुआ? हाँ सर। मैं उसकी आवाज के पीछे ध्वनि सुनी थी। एक बार रिकॉर्डिंग चलाएंगे फिर से। ओके। हेलो। बहुत हिम्मत है आप में कैडी साहब, लगता है आप हार नहीं मानेंगे। हाँ सही कहा। ये आवाज, ये रिवाइंड करके प्ले करना वॉल्यूम जरा। यस सर। हेलो। बहुत हिम्मत है आप में कैडी साहब, लगता है आप हार नहीं मानेंगे। सुन रहे वरुण सर, ये तो बेल किसी बड़े बड़े बेल की आवाज है, जैसा कि चर्च में होता है। एक और हेलो। बहुत हिम्मत है आप में कैडी साहब, लगता है आप हार नहीं मानेंगे। फॉगहॉर्न या सायरन, ऐसा फॉगहॉर्न सिर्फ शिप में लगता है। इसका ये अर्थ होता है कि हमारा अपराधी कोई ऐसे स्थान पर है जहाँ आसपास में कोई चर्च भी है और डॉकयार्ड भी। सर फिर तो हमें टेक लैब जाना चाहिए, क्योंकि वहां से हम कॉलर की एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। चले। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं शिप डॉकयार्ड की पोजीशन ढूंढ रहा हूँ, फिर हम एक रेडार बेस्ड ट्रैकर के थ्रू शिप और चर्च के सायरन की साउंड इंटेंसिटी के कोऑर्डिनेट्स लॉक करके उसके थ्रू कॉलर की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा सकते हैं। प्रदीप आर्मी चिल्ड्रन स्कूल को टारगेट कर रहे हैं। सर फोन लोकेशन देखकर लगता है कि टेररिस्ट स्कूल के अंदर ही है। और पहलू को अगर बारीकी से देखा जाए तो उसका यह तात्पर्य निकलता है कि आतंकवादी जो है वो उसी स्कूल में काम कर रहा है। यह आदमी रिपोर्टर बनकर आया था और कई सवाल पूछा कि जैसे स्कूल में कितने बच्चे हैं, रिपब्लिक डे का फंक्शन कितने लोग अटेंड करने वाले हैं, चीफ गेस्ट कौन है। वो अहमद, उसने लतीफ के विरुद्ध गवाही दी थी अदालत में, लेकिन लतीफ
टेररिस्ट तो है नहीं, इसका ये अर्थ होता है कि वो कभी रिपोर्टर बनकर स्कूल में गया ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि उसने झूठी गवाही देकर लतीफ को फंसाने की कोशिश की। वरुण, एक घंटा बचा है हमारे पास, तू तुरंत जा वहां स्कूल में, पता लगा मुझे फोन कर। गो गो गो। यस। जी, मैं आपको लतीफ के खिलाफ गवाही देने के लिए शुक्रिया करना चाहता हूँ, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम, अभी आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, आपके स्टेटमेंट पर आपके सिग्नेचर्स की जरूरत है। आई एम सॉरी, लेकिन इस फंक्शन का इंचार्ज हूँ मैं, इस वक्त से छोड़कर नहीं आ सकता। देखिए, ये काम भी बहुत जरूरी है, इट्स अर्जेंट। आई अंडरस्टैंड, बट इस वक्त पॉसिबल नहीं है। आई एम रियली सॉरी। आई एम सॉरी, आपके पास कोई चॉइस भी नहीं। वहां देख, और वहां देख। बड़ी गलतफहमी है आपको। एक्चुअली जिसके पास चॉइस नहीं है वो आप हैं। आप बहुत गलत कर रहे हैं। इन सब में से किसी ने भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, ऐसा मत कीजिए, ये गलत होगा। कमाल है, इतनी जल्दी धमकी से दया की भीख पर उतर आए। अब देखिए मैं कैसे इन सब को इनके बनाने वाले से मिलाता हूं। ये राय करो। नहीं चलेगा, अपनी टीम में बॉम्ब एक्सपर्ट होने का यही फायदा है, वो बॉम्ब उड़ा भी सकते हैं और बॉम्ब को डिफ्यूज भी कर सकते हैं। सॉरी, आज सेलिब्रेशंस नहीं है। साहब, मुझसे मिलने की याचिका की थी जी, मैं आपसे आमने सामने मिलकर बात करना चाहता था, क्योंकि सिर्फ एक आप ही हैं जिसमें मुझसे लड़ने का दम। अद्भुत बात है, काल कोठरी की चार दीवारों में बंद है और अभी भी लड़ने की बात कर रहे हैं। जी साहब, आप तो हमें शर्मिंदा ना करें। मैंने आपकी इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा आंका है, कम से कम इतना तो आप समझते ही होंगे कि इतनी प्लानिंग करने वाले फाइटर के पास प्लान बी नहीं होगा। देखो अहमदा, तुम्हारे पास प्लान ए से जेड तक भी हो तो भी तुम जीत नहीं सकते। ये चैलेंज चाहिए था मुझे, इसीलिए आपसे अकेले मिलने की फरमाइश की। अब सुनिए, एक और धमाका होने वाला है, बहुत बड़ा, पर आप तो कोशिश करेंगे ही, तो चलिए बचा सकते हैं तो बचा लीजिए। और हाँ, एक और बात,
आपको अपने मुखालिफ के साथ पहेलियां पूछने का बहुत शौक है ना? वैसे पूछिए। मुझे ये बताइए कि एक पेंगुइन हमेशा मछली को अपनी चोंच में क्यों पकड़ती है? अगर आपने इस पहेली को हल कर लिया तो कम से कम 100 लोगों की जान बच जाए। और हाँ, एक और बात, आपको अपने मुखालिफ के साथ पहेलियां पूछने का बहुत शौक है ना? वैसे पूछिए। मुझे ये बताइए कि एक पेंगुइन हमेशा मछली को अपनी चोंच में क्यों पकड़ती है? अगर आपने इस पहेली को हल कर लिया तो कम से कम 100 लोगों की जान बच जाए। बेमतलब की बातों का समय नहीं, बताओ बॉम्ब कहाँ रखा है? बॉम्ब का तो ये क्या कर? शहर खाली है सर। हवलदार, डॉक्टर बुलाइए जल्द। हमने अहमद की छुपने की जगह को ढूंढ तो लिया, मगर ना तो वहां बारूद मिला और ना ही कोई बॉम्ब। इतने बड़े शहर में उसने बॉम्ब कहीं भी छुपा दिया होगा। बॉम्ब तो आज ही छुपाया होगा उसने कहीं। उसने कहा था कि प्लान बी है मेरा, तो प्लान बी है तो पहले से तो किया नहीं होगा। ये भी डर रहा होगा कि अगर किसी ने बॉम्ब को देख लिया तो सुरक्षा एजेंसी सचेत हो जाएगी। हाँ, पर कहा? हमने स्कूल और उसके आसपास की सारी पब्लिक जगहों पे चेक कर लिया, हमें वहां कुछ नहीं मिला। सब उसके मेथड के अनुसार उसने बॉम्ब ऐसी जगह छुपाया होगा जहां ज्यादा लोग छोटी जगह पर हों। अहमद ने आत्महत्या करने से पहले एक पहेली रखी थी मेरे साथ। पेंगुइन, पेंगुइन हमेशा मछली को अपनी चोंच में क्यों पकड़ती है? क्योंकि पेंगुइन के हाथ नहीं होते हैं, करेक्ट? सर, क्योंकि उसकी चोंच मजबूत होती है। फनी बट, क्योंकि उसे मछलियां पसंद। सॉरी सर। मैंने अपना फोन जेब में रखा। हम सब अपना फोन जेब में रखते हैं। ये जो पहली अहमद ने पूछी थी ये बहुत पुरानी है, स्कूल में सुनी थी। पेंगुइन हमेशा मछली को अपने चोंच में क्यों रखती है? उसका उत्तर यह है, पेंगुइन की जेब नहीं होती। अहमद की जेब से कुछ मिला सुनंदा? यस ऑफ कोर्स, पेन, वॉलेट और एक बस का टिकट। ये चाबी कहाँ की हो सकती है? I have no clue. कहीं की भी हो सकती है। एक और धमाका होने वाला है, बहुत बड़ा धमाका। अगर आपने इस पहेली को हल कर लिया तो कम से कम 100 लोगों की जान बच जाए। बॉम्ब बस में। बस के अंदर? तो ये आप कैसे कह सकते हैं? Exactly, आप ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अहमद ने कहा था कि ये पहली 100 लोगों की जान बचा सकती है, और एक बस में करीब करीब उतने लोग आते हैं। रही है बस की टिकट, इस पर भी तारीख आज की, इसी बस में है बॉम्ब। भी पहुंचता हूं। दवे,
बस इस वक्त एसपी रोड से गुजर रही है। एक्सप्रेस हाईवे के जंक्शन पे एक चेक पॉइंट लगा दो और पूरा इलाका खाली करवा दो। बस को वहीं रोकना है। और मैं बस के रूट पे पहुंच गया हूं। ओके। केडी, दवे बस की रूट पे पहुंच गया है और वो बस को रोकने ही वाला है। नहीं नहीं सुनंदा, दवे से कहो उस बस को ना रोके। मगर दवे एक मिनट। हाँ बस आ रही है। क्योंकि इस समय हम ठीक से ये नहीं कह सकते कि बस का कोई यात्री आत्मघाती अर्थात सुसाइड बॉम्बर है या नहीं। संभव है कि अगर पुलिस ने बस को रोक दिया तो उसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हो सकता है वो विस्फोट वहीं कर दे। लेकिन केडी, हम इतने सारे पैसेंजर्स को बिना बताए बस में से बॉम्ब कैसे निकालेंगे? है एक तरीका है। लेकिन केडी, हम इतने सारे पैसेंजर्स को बिना बताए बस में से बॉम्ब कैसे निकालेंगे? है एक तरीका है। तब बस को मत रोको। पर हाँ ठीक है। बस सब बस बहुत करीब आ गई। बस का टायर पंक्चर हो गया, नीचे उतरिए। बस का टायर पंक्चर हो गया, अपना सामान लेके नीचे जल्दी उतरो। दूसरी बार गाड़ी चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी बैग में। यस केडी। सुनंदा बॉम्ब मिल गया। बॉम्ब मिल गया, गुड। केडी सावधानी से मुझे बॉम्ब का सारा डिस्क्रिप्शन दो, एक भी पॉइंट मत लूज करना। काला कलर का बैग है, अंदर टाइमर है। सिर्फ 60 सेकंड। टाइमर से जुड़ा हुआ बॉम्ब सिर्फ 60 सेकंड बाकी। मैम उनसे पूछिए कौन से कलर के वायर हैं। उसमें कौन कौन से कलर के वायर हैं? लाल, पीला और हरा। मैम लाल। आर यू श्योर? सात सेकंड बचे। यस मैम। 100%? यस। छह सेकंड, पांच सेकंड। वरुण को समझाओ। वरुण सुनंदा जल्दी बोलो। तीन सेकंड, लाल या हरा? रेड वायर। लाल। लाल।
इसीलिए कह रहा था वरुण, फूल इतने सारे कहां से आए? केडी, ये सब ना थैंक यू और सॉरी कार्ड्स के साथ आए हैं। वो बाहर सब लोग तुम्हारे खिलाफ नारे लगा रहे थे ना, इन लोग ने भेजे हैं। और ये सब फ्लावर्स स्टूडेंट्स और उसके पेरेंट्स ने भेजे हैं। How cute is that? Super cute. Sir, lovely flowers. No, nice cards also. केडी सर, किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं? Thank you so much for saving my life. You're welcome. हाँ, आज के बाद कोई अवैध, कोई गैर कानूनी काम मत करना कभी, चाहे कितनी भी दंगी। सिर्फ एक बात याद रखना, लगन, मेहनत और सत्य से काम करोगे तो सब कुछ प्राप्त होगा। जी सर, इस देश में जब तक आपके जैसा बेटा हो, तब तक मेरी जैसी किसी भी माओं को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस समाज को आप इसी तरह अपने मजबूत हाथों से संभाल कर रखना। चिंता मत करिए माता जी, जब तक इस समाज में असत्य रहेगा, कहीं ना कहीं एक कीड़ी पाठक भी रहेगा उस असत्य से लड़ने के लिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.